गांधी जी क्या कहेंगे, मतदान हो चुका है, किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, अब क्या प्रतिक्रिया आपकी? निशान बनाओ सब। इलेक्शन पेटियों में रिजल्ट पहुंच चुका है और मतदान जो हुआ है वो चौंकाने वाला होगा। रिजल्ट ऐसा होगा जो चौंका के रख देगा सबको। जो साथी उम्मीदवार हैं वो भी देखेंगे कि युवा साथियों की मेहनत कितनी रंग लाई। अपनी जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है? आश्वस्त हूँ, अभी मैंने कहा रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। 100%। कौन से वार्ड से लड़े आप? 19 नंबर वार्ड से। ये 19 का आधा आपका कृष्ण नगर भी आ रहा है इसमें मेरे ख्याल से। 1/9 में कृष्णा नगर है और बाकी मॉडल टाउन है। मॉडल टाउन। मतदान कैसा हुआ ये बताइए? बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। क्या कहेंगे बनाओ आप? सर सुनारे और छतरी जहाँ भी है वह हमेशा जीत की निशानी है। हमारे भाई और हमारे युवा साथियों ने जितनी भी मेहनत करी वो सभी भाई ग्राउंड लेवल से मेहनत करते हुए आए। हमारे भाई वरुण गांधी जी, इन्होंने पूरे युवा को इकट्ठा करा कृष्णा नगर के लोगों को और हमारे भाइयों में जोश भरा, जिसको लेके हम बहुत उत्साहित थे और हम कामना करते हैं कि हमारा भाई विजय होकर आएगा। मैं हमारे वरुण गांधी जी की जीत के लिए 100% उम्मीद है कि यही जीत के जाएंगे। उम्मीद है आपको? 100% उम्मीद है। और हमारे कृष्णा चिंता इनका छतरी। अच्छा, इनकी छतरी के नीचे आएंगे नहीं आएंगे? 100% आएंगे जी। अभी ऐसा तो नहीं है बरसात आते भाग लेंगे? अरे नहीं जी नहीं, हम मीडिया वाले थोड़ी है, हम तो मेहनती है। अभी शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कोई किसी तरह का वो नहीं हुआ और हर आदमी ने अपने प्रसन्नचित मन से अपनी इच्छा से वोट दिया है। इच्छा से वोट दिया है। क्या कहेंगे जनाब ये बताओ अब आप? मॉडल टाउन कोर्स एरिया है, सबसे ज़्यादा अच्छा बढ़िया एरिया है, यहाँ ना कोई ऐसे कोई छटपुट घटना हुई है और यहाँ पे सब ने आके ईमानदारी से अपने कैंडिडेटों को जिताने की पूरी कोशिश करी है और मेरे को उम्मीद है कि यहाँ बीजेपी जीतेगी। आपको क्या लगता है क्या कहेंगे जो मतदान हो गया? अब तो किस्मत की बंद हो गई, अब खुल के बोल। पढ़े लिखों का वार्ड है ये और लोगों ने जब किसी के प्रति कोई वो नहीं था, आग करके अपनी अपनी वोटें दी हैं और वोट डाल करके चले गए। किसी गाड़ी गुड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं किया, किसी के बैनर चले नहीं गए, अपनी मन मर्जी से वोटों का हिसाब किया। ये युवाओं ने ना खुल के सहयोग करा, ये इलेक्शन इस बार युवाओं का रहा। युवा मतदाता था, युवा कार्यकर्ता थे और युवाओं ने आज सहयोग जो किया वो सबसे अच्छा लगा। मतलब कहते हैं कि शांतिपूर्वक मतदान सहयोग से होता है और इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिखाया है। सबसे भाई नाल की जीत है हमारी तरफ से, तो भाई नाल को जिता रखा हमने, तो वही हम पूछ रहे हैं ना मतदान कैसा हुआ, शांतिपूर्वक रहा? बहुत शांतिपूर्वक। खुश है नहीं है इस चुनाव से? बहुत खुश है। इस बार चेयरमैन का सीधा चुनाव हुआ है, ये अब पार्षदों के लिए दिक्कत है, बेचारों खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। टाउन के वार्ड में बड़ा शांतिपूर्ण मतदान रहा। ये एक ऐसा वार्ड है जो दोनों पक्ष खड़े होकर साथ रह के एक दूसरे के साथ रहते हैं और कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। बड़ा शांतिपूर्ण मतदान रहा, पर मतदान का परसेंटेज बहुत कम रहा। जीत मैं समझता हूँ कि निहाल सिंह की कम से कम 500 प्लस वोटों से होगी। चेयरमैन के लिए बड़ा कड़ा मुकाबला रहेगा, तीनों पार्टियों में कहना बड़ा मुश्किल है और चेयरमैन के लिए बड़ा संघर्षशील मुकाबला रहा। हाँ एक अच्छा काम हुआ है कि जो डायरेक्टली जो चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए हैं तो ये जो पार्षद जो बिकाऊ जो सौदे थे ना, ये एक बहुत अच्छा सरकार ने खट्टर साहब ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि ये इलेक्शन मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में ये डायरेक्ट चुनाव करवाएं ताकि पार्षदों की खरीद फरोख्त बंद हो सके। आपको लगता है अब पीएम का भी सीएम का भी डायरेक्ट इसी तरीके से चुनाव हो जाना चाहिए? वक्त की मांग यही है। मैं तो समझता हूँ हो जाना चाहिए इस तरह का, ताकि जो विधायक जो खरीद फरोख्त होते हैं, जो पार्टी बदल जाते हैं, ये बंद हो जाएगा और एक स्टेबल सरकार मिलेगी देश को। क्या सरकार ये फैसला करेगी पीएम करना चाहिए? मेरे हिसाब से मोदी जी को और खट्टर जी को प्रपोजल लेके आना चाहिए जनता के सामने। और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि ये विधानसभा के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव और एमपी के चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए ताकि जनता पे जो ये खर्चा है ये कम से कम पड़े।